अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बाख़बर सुख के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम आपको ख़बरों से आगाह करते हैं, बल्कि ख़बर के पीछे हकायक उनसे भी आपको आगाही हासिल होती है। ख़बरों का आगाज़ करूँगी ये कहते हुए कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, जिन्होंने अपनी नाअहली को कानूनी तौर पर तो कबूल कर लिया, मगर ज़हनी तौर पर वो इस फ़ैसले को कबूल नहीं कर पाए हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि यही वो नवाज़ शरीफ थे जो अदलिया की बहाली की तहरीक चलाते रहे, सड़कों पर आ गए, मगर अब सूरत हाल कुछ और है। अब नवाज़ शरीफ और उनके हमनवा के जो तेवर हैं वो बदले हुए हैं, और वो अवामी राह हमवार करने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए, उसके खिलाफ आज जीटी रोड से बरास्ता लाहौर रवाना होंगे। उसमें वो सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या मियाँ साहब ने अब कोई लंबी तहरीक का आगाज़ करने के बारे में सोच लिया है, और क्या साथ साथ अब मुखालफिन को ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें एक सर्द जंग का भी आगाज़ है, सख्त जंग भी लड़ना होगी। दूसरी जानिब ताहिरुल कादरी वतन वापस आ चुके हैं, और साथ साथ पीटीआई ने भी इंतखाबी अमल की तैयारी का आगाज़ कर दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एडिटर रोज़नामा 92 न्यूज़ राव खालिद साहब, आपको वेलकम करते हैं। सोहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद होते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, इसकी खबर 22 जुलाई को हमने बाखबर सुबह में आपको दे दी थी। पहले ये क्लिप देखिए, फिर बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को इस बात पर कायल किया गया था, और उन्होंने गारंटी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला आएगा वो उसको कबूल करेंगे, बाहजराई नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ ये वक्त गुजरने के बाद पार्टी के मुख्तलिफ लीडर के साथ भी प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत जारी रही, और कुछ और शख्सियात के साथ भी मुसलसल वो रबते में रहे। उन्हें दो बातों के ऊपर बड़े कंसर्न थे। पहले बात तो इसके ऊपर वो कायल थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अगर नाअहली का फैसला आ जाता है तो फिर ऐसे इससे निमटना कैसे है, कैसे इसको फेस कैसे करना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बहुत डैमेज होगी प्राइम मिनिस्टर की नाअहली की सूरत में। तो पार्टी लीडरशिप के साथ सबके साथ मिलकर यह फैसला किया गया है कि जैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ता है, तो वो जीटी रोड के जरिए लाहौर जाएंगे और उनका भरपूर तमाम रास्ते में इस्तकबाल किया जाएगा, अवामी रबते बढ़ाए जाएंगे, अवामी रैलियों को इनेकाद किया जाएगा, ताकि प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम लीग नून जो इस फैसले से डैमेज हुई होगी उस डैमेज कंट्रोल उसको जी नाज़रीन 28 जुलाई को नाहल हुए थे नवाज शरीफ साहब, और 22 जुलाई को यही खबर सोहेल इकबाल भट्टी ने ब्रेक की थी। सोहेल, आपको कैसे पता था कि ये तमाम सूरत हाल होगी? आप अंदर तो ही बैठे हुए थे वहाँ पे। बिल्कुल मैं अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन कोई चिड़िया विड़िया नहीं हमारे पास तो ना तो अभी तक तो कोई चिड़िया है ना तोता है, लेकिन कुछ अच्छे दोस्त अच्छे सोर्स हमारे पास जरूर मौजूद हैं, और वो कुछ लोग जो इस मीटिंग में शरीक थे उनके तवस्सुत से इस मामले का जानने का मौका मिला। चूँकि उस वक्त सबकी कड़ी नज़रें थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समात के बाद पनाह मलिक के ऊपर जो जेआईटी की रिपोर्ट सामने आई थी, समात के बाद फैसला महफूज हो चुका था, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई थी या प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर। तो हम लोग भी सारा दिन इसी काविश में रहते थे कि पता चल सकेगा वहाँ पर क्या है, हुक्मरान जमात नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं। तो उस वक्त ये बिल्कुल, अब तो नवाज शरीफ साहब इस बात का दूसरे लफ्ज़ों के अंदर इजहार कर रहे हैं कि उनको नाहल करने से मुतलिक काफ़ी पहले फैसला किया जा चुका था, लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ साहब को पहले पता चल चुका था, चूंकि जिस तरीके से उन्होंने केस कॉन्टेस्ट किया था जेआईटी के सामने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा जब उनको मौका मिला था कि अपने हक में कुछ सफाई दे सके, वो अपने हक के अंदर सफाई देने में सबूत देने के अंदर नाकाम रहे थे। उनकी टीम ने और कुछ लोगों ने उनको बता दिया था, उनकी सीनियर पार्टी लीडरशिप ने बता दिया था कि मियाँ साहब आप नहीं बचने लगे, आपने नाअहल होना है। तो फिर कुछ इजलास हुए थे कि अब जब ये सारा फैसला आएगा तो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब वज़ीरे आज़म हाउस छोड़ेंगे, क्या उसके बाद की हिकमत अमली होगी। फिर हिकमत अमली बनना शुरू हो गई थी, वहाँ से ही खबर मुझे मिली थी कि वो जीटी रोड के जरिए से जाएंगे, ये प्लान उस वक्त बन गया था। लेकिन अब बात यहाँ पर ये है कि नॉर्मली अपोजिशन इस किस्म की रैलियों का इनेकाद करती है, अपोजिशन इस किस्म के मुतालबात सामने लेके आती है। मरकज़ के अंदर आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत कायम है, पंजाब के अंदर उनके भाई की हुकूमत कायम है, तो आप ये किसको मैसेज देना चाह रहे हैं इस तरह की रैली का इनेकाद करके, काफिलों को जमा करके, पूरा निज़ाम डिस्टर्ब करके। और इवन शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी रोज़ तक नवाज शरीफ साहब को मुतअद्दिद जो इजलास हुए वो मना करते रहे कि आप जीटी रोड का इंतखाब मत कीजिए, अब से कुछ घंटों बाद वो इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, और उसके बाद ये उन्हें कहा गया था कि आप मोटरवे के ज़रिए से जाइए, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, और उसके बाद पूरा निज़ाम को आप सारे सिस्टम को आप मुतासिर करेंगे। कुछ और पार्टी लीडर्स ने भी उनको मशवरा दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब चूंकि गुज़श्ता कई माह से मरियम नवाज साहिबा और उनके मरियम नवाज साहिबा के आसपास जो लोग हैं जो सारा जो मशावरत करती हैं जो प्लान तैयार करती हैं, उनका यही प्लान था जो कि 28 जुलाई से पहले बन चुका था,
उसी प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, कोई उन्होंने उसके अंदर तब्दीली नहीं की। तो यानी कि अभी भी नवाज शरीफ साहब उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, उसी टीम की लाइन को जिन्होंने उन्हें इस नहज तक पहुंचाया है। उसके बाद अब वो ये रैली चलेगी, रावलपिंडी से गुजरेंगे, जीटी रोड के ऊपर जाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब ये किसको पैगाम देना चाहते हैं और इतना बड़ा जो इन्होंने इशारा इनेकाद करवाया सब लोगों को जमा करके, हज़ारों पुलिस अफसर, हज़ारों पुलिस के और सिक्योरिटी के अहलकारों की मौजूदगी में वो यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेंगे। खिलाफ कवायद उन्होंने अपने लिए भी सिक्योरिटी हासिल कर रखी है, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। आप किसको मैसेज देना चाह रहे हैं, मैसेज क्या है? नवाज शरीफ साहब बेसिकली अब इस कोशिश के अंदर हैं कि माजी के अंदर जब उन पर ऐसा वक्त आया था तो अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क उन्हें कुछ इमदाद मिली थी, जिसे हम गैबी इमदाद कहते हैं, उन्हें कोई ना कोई रास्ता मिल गया था बच निकलने का। अभी तक उन्हें कोई गैबी इमदाद दिखाई नहीं दे रही और केसेस उनके नैब के अंदर जिस तरह से उनके ऊपर पेशरफ्त हो रही है, अब उन्हें इस बात का खदशा है कि नाहली का मामला तो हो चुका, दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहते, अब पूरे खानदान और उनकी सियासत का जनाजा निकल सकता है अगर नैब के अंदर वो केस हार जाते हैं तो। अब वो नैब के अंदर प्रेशर बिल्ड करने के लिए और कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर अपने बिल्ड करने के लिए दिखाना चाह रहे हैं, आपको अवामी ताकत के मुजाहरे की जरूरत नहीं है, हालात मजीद खराब करने जा रहे हैं। ताहिर कादरी साहब वतन वापस आ चुके हैं, आने वाले दिनों के अंदर दो चार बड़ी उनका भी कुछ प्लान्स हैं, उससे भी यकीनन बहुत ज्यादा सियासी सूरत हाल गैर यकीनी से दो चार होगी। सारा इख्तियार नवाज शरीफ साहब के हाथ में है कि वो मामला को किस बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। राव साहब, नवाज शरीफ ने कह दिया था कि उनको नाअली का जो फैसला है वो पहले कर दिया गया था और अब बारहा वो ये बात करते हैं कि वो किसी वजह से खामोश थे, मगर अब खामोश नहीं रहेंगे ज़्यादा देर तक। और साथ साथ इमरान खान पे देखिए एक चीज़ नज़र आई है कि नवाज शरीफ साहब ने अब इमरान खान और पीटीआई पर डायरेक्ट तनकीद नहीं की है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक मोरा है, बिसात किसने बिछाई? ये मियाँ साहब को जब पता है तो बता दें, इसमें ऐसी कौन सी सीक्रेट है, कुछ स्टेट सीक्रेट तो है नहीं ये कि आप कहें कि जी स्टेट सीक्रेट है तो आज प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे, जो अंडर ओथ उनको इल्म था वो ना बताएं, जो उसके बाद उनको पता चला वही बता दें। मेरे हिसाब से ये उनका आखिरी सियासी सफ़र है, वो किसी को रोकना नहीं चाहिए, उनको उनको शौक पूरा करने देना चाहिए क्योंकि इसके बाद नैब के मुकदमा शुरू हो जाएंगे जैसे भट्टी साहब ने कहा। अच्छा, ये इंतखाबी सफर नहीं है इसका मतलब? सियासी सफर है, ये आखिरी और वो भी आखिरी। अच्छा, जो जो उनको जिस वजह से वो ज्यादा जिटरी हो रहे हैं या ज्यादा कह लें किस तरह से बोल रहे हैं, बार बार अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी है उन्होंने, उसका यही है कि वो उनको पता है कि इसके बाद उनके वापसी का चांस नहीं। अब आगे भट्टी साहब ने जैसे कहा वो जेल से बचने की तैयारियां, बाकी सारी तो जो भी वो कर रहे हैं, नैब के मुकदमा शुरू हो जाने इसके बाद फिर उनको दोबारा से अवाम में घुलने मिलने का मौका मिलता रहेगा, जब तारीख पे आया करेंगे, पेशियों पे आया करेंगे तो ये शौक वो वहाँ भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन भला सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने यानी अवाम में घुलने मिलने का उनको मौका दे दिया, वरना अवाम को 2018 के इलेक्शन में उनकी शक्ल नज़र आनी थी दोबारा इस तरह से कि अवाम के उनकी गाड़ियाँ चूम रहे और अवाम उनको गले में हाथ डाल रहे और वो बड़ा इस पर शो ऑफ वो कह लेंगे अपना कहते हैं बड़े पैशनेट हैं लोग उनके बारे में और उनके अकीदत का इजहार करते हैं, बिल्कुल तो ये अकीदत उनको पीर साहब को बहुत मिलेगी जिस तरह से आगे जाएंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आप एक गलत काम करते हैं, करप्शन के इतने चार्जेस आपके आ गए, आप एक एक लफ्ज़ एक रसीद उसकी तरदीद में नहीं दे सके और आप पोज इस तरह से कर रहे हैं जैसे आप पता नहीं कोई कश्मीर फतह करके आप आए हैं और उसके बाद आप अवाम को ये बताना चाहते हैं कि आपने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ये हमारे मुल्क की सियासत में बदकिस्मती रही है क्योंकि जितना बड़ा कोई क्राइम किसी पे इल्ज़ाम लगता है वो उतनी ज़्यादा बड़ी रैली निकाल के उतने बड़े विक्ट्री के निशान बना के और ढोल ढमके के साथ वो निकलता है कि जी पता नहीं क्या उसने कमाल दिखा दिया इस मुल्क के लिए, बजाय इसके कि इस इन चीज़ों के ऊपर पूरा शरीफ ख़ानदान के ऊपर इतना बड़ा दाग लगा है इस एक एक्ट से और अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो दिन ब दिन ये फैलता जा रहा है, बिल्कुल नई नई चीज़ें निकलती चली आ रही हैं। अब कोई 2000 प्रॉपर्टीज़ पे बात पहुंच गई, कहाँ चार फ्लैटों से शुरू हुई थी इमरान खान के चार, करियर भी शरीफ खानदान का दाव पे लग चुका है, मरियम नवाज का मसला है, इमरान खान के चार हलकों से शुरू हुआ, चार फ्लैटों में पहुंचा और अब ये पता नहीं कहां तक आ गए। निजाम कुतरा देखिए, इसी जीटी रोड पर आप निकले थे इसी अदलिया को बहाल करने के लिए, इसमें वो जजेस बैठे हैं जिनके लिए बहाली के लिए निकले थे, अब उसी अदलिया ने फैसला दिया तो उसको आप मानने को तैयार नहीं है, वो उनके फैसले खिलाफ अब जीटी रोड तो उनके हवाले ये कह रहे हैं कि ये गुजरांवाला तक जाएंगे तो बहाल हो जाएंगे, तो मैंने कहा वो लाहौर से गुजरांवाला आए थे, इस्लामाबाद से गुजरांवाला नहीं गए थे, ये तो घर की तरफ जा रहे हैं, ये शहर इक्तदार की तरमीर। जहाँ तक ताहिर कादरी साहब का है वो वापस आ गए हैं भट्टी साहब ने, हमने आज पनामा केस में वो इमरान खान के साथ नजर नहीं आए थे, उनको यकीन नहीं था कि ये नाहल हो जाएंगे वजीर आजम। ये पीपल्स पार्टी का भी यही डायलेमा रहा, वो यही समझते रहे कि कुछ नहीं होना यहाँ पे, इस मुल्क में होता भी कुछ नहीं। मियाँ साहब को भी यही सदमा है, ये जिस इस सदमे में वो बोल रहे हैं, जो
बातें समटाइम्स वो उल्टी सीधी भी कर देते हैं, ठीक है, तो उसको वो इसी सदमे में बोल रहे हैं। ताहिरुल कादरी साहब मेरे उस्ताद रहे हैं, लॉ कॉलेज में मेरे इस्लामिक लॉ के टीचर थे, तो और बहुत अच्छे टीचर थे, वो टीचर थे जिनका मैंने कह लें कि सिर्फ नोट्स पे एग्ज़ाम दे के पास कर लिया था अपना एफ ई एल का एग्ज़ाम जो था, तो लेकिन इंतहाई एहतराम के साथ ये तासुर बड़ा गहरा होता जा रहा है कि वो किसी और मकसद के लिए आते हैं, हाँ, बजाय इसके कि वो अपने मॉडल टाउन आने के ऊपर कुछ करें। इस दफ़ा मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा साबित कदमी दिखानी चाहिए, रुकना चाहिए और अपने उस मसले का हल करवाना चाहिए यहाँ पे, चाहे पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से हो किसी हवाले से हो, उनको उस पर कोई ना कोई फाइनल वर्ड। राव साहब, सियासत में हरफे आखिर नहीं होता, यही नवाज शरीफ थे जो जब वजीर आजम थे तो कहते थे कि हम सड़कें बनाते जाएंगे, आप सड़कें नापते जाएं, आज वही सड़क नापने के लिए अब से कुछ देर बाद जीटी रोड उन्होंने बनाई इसलिए थी। अच्छा, दूसरा वो कंटेनर की सियासत पर उंगली उठाते रहे, आज वो खुद एक शानदार कंटेनर पर सवार होकर एक तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। अच्छा सवाल कि मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये नवाज शरीफ साहब के लिए बसात किसने बिछाई, नवाज शरीफ साहब इसका जवाब ढूंढना चाहते हैं। हम उनको बता देते हैं, ये बहुत सिंपल सा है, जिन लोगों ने जाली दस्तावेजात तैयार करवा के नवाज शरीफ साहब के जरिए जमा करवाए और जेटी के अंदर जाके इनके अपने खानदान के लोगों ने जाती मालूमात दी और दस्तावेजात दिए, उन्होंने बिसात बिछाई है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। अब आवाम जो है कितना साथ देते हैं नवाज शरीफ शरीफ खानदान का और नून लीग का। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है नैप के हवाले से। नैप इकदाम जो हमने देखे हैं, हमेशा उनकी कारकर्दगी पर हमेशा सवालात भी उठते रहे और सुप्रीम कोर्ट ने तो एतमाद का इजहार भी नहीं किया था और हमेशा तनकीद का निशाना भी बनाया था, लेकिन इसके बरक्स जो है नैब चेयरमैन के जो दावे होते हैं वो हमेशा बुलंद बांग होते हैं। अब इस बार जो उनका एक दावा सामने आया है नैब के इकदाम के बाईस पाकिस्तान की इंसदाद करप्शन रैंकिंग में 9% मतलब बेहतरी आई है, क्या ग्राउंड रियलिटी यही है? शाजी देखिए, ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हो सकती है, अभी हम इसको जाके आगे इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी किस वजह से है उसकी कुछ और वजूहत है, लेकिन नैब ने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान का जो करप्शन के हवाले से जो एक रैंकिंग वो करते हैं उसके अंदर 9 दर्जे बेहतरी आई है, इनके पाकिस्तान के अंदर करप्शन में कमी आई है। उन्होंने ये सारा क्रेडिट उठा के नैब की झोली में डाल दिया है कि 2013 के बाद नैब ने जितने बड़ी सख्त इकदाम किए करप्शन के खिलाफ और वो जो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर गामजन थे उसकी वजह से ये करप्शन के पाकिस्तान के अंदर कमी हुई है और इस वजह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उन्हें एक अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान की इस मामले में सराही है। लेकिन अगर उन्हें हकीकत देखनी चाहिए, मौजूदा चेयरमैन नैब के दौर के अंदर करप्शन के जितने बड़े केसेस थे, कुछ केसेस को तो उन्होंने खोला नहीं जो लाहौर से पंजाब हुकूमत से रिलेटेड थे, और उसके बाद जो चंद बड़े केसेस थे, हम बात करते हैं मुजारबा स्कैंडल की। मुजारबा स्कैंडल 22 अरब रुपए का स्कैंडल था, 10 माह का आपका हदफ था, आज तक आप मुजारबा स्कैंडल को आप कंप्लीट नहीं कर पाए, लोगों को गिरफ्तार करके सजाएं नहीं दिलवा सके, मुतासरीन की रकम वापस नहीं दिलवा सके, जो जायदादें आपने जब्त की उनके ऊपर अंदर आपके आईएट और इस्लामाबाद के दूसरी जगहों के अंदर आपके अफसरान वहां पर रह रहे हैं, एक ये ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। बलोचिस्तान का एक बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल का सामने आया, 40 अरब का स्कैंडल था मुश्ताक रईसानी के मामले का, उसके अंदर आपने उसको 6 अरब से 2 अरब तक लेके आए, 2-2.5 अरब की आपने प्ली बारगेन करके मुलजमान को बचाने की कोशिश की, वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया और अल्टीमेटली आपको प्ली बारगेन कैंसिल करना पड़ी। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था जो हुक्मरान खानदान से मुतल्लिक केसेस थे, नवाज शरीफ साहब के जो पेंडिंग केसेस थे नैब के अंदर, उनको आपने अपनी मुद्दत के दौरान आपने उनको खोला नहीं है, हर 6 माह बाद उनकी टाइम लाइन आप एक्सटेंड करते रहे। हुदैबिया पेपर मिल का केस आप सबसे बड़ा केस था जो उनके लिए चैलेंज था, जो करप्शन रोकने के अंदर अगर आप नैब संजीदा होता तो वो आपके लिए एक बड़ी एग्जांपल बन सकती थी कि आपने हुदैबिया पेपर मिल को टेकअप किया, आपने टेकअप नहीं किया, जो आपका राइट था कि अगर हाई कोर्ट ने आपके रेफरेंस को खारिज कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, आप अपील तक नहीं करने गए, आपने कहा जी मेरे प्रोसिक्यूटर जनरल ने मुझे एडवाइस दी है तो मुझे अपील करने की जरूरत नहीं है, मुलजमान के खिलाफ अपील करने की मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुक्मरान जमात, अपोजिशन जमातें सब इस बात पर आपके दौर में मुत्तफिक हुई कि नैब का कानून और मौजूदा चेयरमैन नैब के दौर के अंदर नैब ही करप्शन के फरोग का बाइस बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मामला आया कि नैब तो दफन हो चुका है, नैब को तो नैब का कहीं वजूद दिखाई नहीं देता, तो जो उसके साथ जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो पाकिस्तान के रैंकिंग में बेहतरी की रिपोर्ट दी है उसका सारा सेहरा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने जिस तरीके से केसेस को टेकअप किया या हमारे दीगर अदालतों को, उन्होंने नैब को जो करप्शन के फरोग का बाइस बन रहा था उसका हाथ रोका, उन्होंने इसका रास्ता रोका। उसके बाद सबसे बड़ा आपके लिए जो चैलेंज था वो जब तहरीक इंसाफ पनामा लीक स्कैंडल सामने आया, दरखास्त लेकर आपके पास गई,
नैब हेडक्वार्टर के बाहर उन्होंने धरना दिया, एहतजाज किया कि इस मामले की इंक्वायरी कीजिए। और नैब कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब इस बात के पाबंद थे कि पीटीआई की शिकायत की तस्दीक करते, क्या वो शिकायत दुरुस्त है कि नहीं, उन्होंने नहीं की। दो दिन वो बैठे रहे खामोशी के साथ, हमने अब चेक कर रहे थे अपने ज़राए से, दो दिन बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने वो भी ज़राए से दी, ऑफिशियली नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये सारा स्कैंडल अखबारी तराशों पर मबनी है, हम इसकी इंक्वायरी इस शिकायत की तस्दीक ही नहीं कर सकते। ये पहला नैब के अंदर केस था, नैब के हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, नैब ने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल अखबारी तराशों पर तहकीकात की और मुलजमान को सजा पहुंचाई। आपने पनामा को हाथ नहीं लगाया, आप पनामा स्कैंडल के मुलजमान को बचाने की आपने कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मामला टेकअप हुआ, आज आप जिस तरीके से आपने उस मामले को रिजेक्ट किया था, आज आप अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए उसी मामले को लेकर आप रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। तो आपकी वजह से पाकिस्तान के अंदर करप्शन में कमी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर इनिशिएटिव और सुप्रीम कोर्ट का कंट्रीब्यूशन जरूर है। राव साहब, कौमी एहतिसाब ब्यूरो एक सरकारी इदारा है मगर कितना खुद मुख्तार है, इस पर अदालत भी बात कर चुकी है, हम भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नैब पर रेफरेंस भेजे जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक जज भी है, जिस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जी जज एक जो वो मॉनिटर कर रहा है तो फिर अपील कहाँ की जाएगी, तमाम मामला थे इस नहज पर हमारे ये इदारे ही लाते हैं जहाँ पर अदालत को जो है मॉनिटरिंग करनी पड़ जाती है। ये एग्जैक्टली ये इसको तो इसकी कारकर्दगी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने भेजे हैं इनको, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एक हम मॉनिटरिंग जज भी लगाएंगे, क्योंकि उनको पता था इन्होंने क्या हरकतें करनी और क्या करते आ रहे हैं अब तक उसके ऊपर। अगर सिर्फ से नो टू करप्शन के स्टिकर लगाने से बात हल होती है, मसला हल होता है, या आप ATM पे जाएँ तो वहाँ पर लिखा नज़र आ जाता है आपको, तो मैं अपनी जेब से स्टिकर जहाँ कहते हैं लगा देता हूँ लेके। इस तरह थोड़ा अमली इकदाम आपने क्या किए अब तक जो आपके सामने है। पनामा केस के लिए सबसे फिट एंटिटी जो सरकारी जो थी करप्शन पे कह ले के इन्वेस्टिगेशन के लिए, नैब से बेहतर कोई इदारा था ही नहीं। जो उसका लॉ है वो हर चीज़ प्रोवाइड करता है, हर किस्म के उसको लीगल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है, लीगल लिवरेज प्रोवाइड करता है, हर किस्म का एमुनेशन उसको देता है कि वो उसको हिट कर सके प्रॉपरली इस किस्म की करप्शन को। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट जितनी इनके पास इख्तियार आता है और ले चुके हैं, बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इन्होंने ऑफशोर कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं की, यहाँ पर क्या चीज़ आड़े आई थी, चले झूठ ही था उसके अखबारी तराशों पर मबनी था, आपको देखते तो सही, आप मियाँ साहब का ना देखते, 400 लोग और थे, 399 और थे, उनका देख लेते, किसी उनमें से किसी का निकाल लेते, मियाँ साहब पे अगर आपके पर जलते थे वहाँ पे जाते हुए। तो ये बहुत मौजूदा चेयरमैन जब से आए हैं उनके दौर में हम देखते हैं ये मेगा उसके जो बलूचिस्तान वाला करप्शन का केस वो, और इस किस्म के बहुत से केसेस आए हैं जिस पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो पुराने केसेस हैं छोटे मोटे किसी अफसर को पकड़ के सजा दिला देते हैं। आपकी एहतसाब कोर्ट में जो टाइम लिमिट है आपने उसके अंदर फैसला करवाना होता है, केस को कम्प्लीट करना होता है जब आप रेफरेंस फाइल कर देते हैं, उसके ऊपर परसुएंस कितनी है इनकी। जो पुराने केसेस पड़े हैं साल साल से पड़े हैं, 12-12, 15-15 साल के पड़े, उनको किसी तरफ ये ले जा नहीं सके। अच्छा सब, क्या एक वजह ये भी है कि नैब जो है वो शफाफ इदारा नहीं बन सका, खुद मुख्तार नहीं हुआ, क्योंकि नैब चेयरमैन की तकरीरी जो है वो पोजीशन मुशावरत के साथ भी की जाती है, और माशाल्लाह से हमारी पॉलिटिकल पार्टी जैसा कि अदालत कह चुकी है सिराजुल हक के अलावा 62-63 पे कोई नहीं पूरा उतरेगा, वहाँ पर भी अंदर करप्शन है, शायद इस वजह से खुद मुख्तार नहीं है। देख बिल्कुल एक वजह हो सकती है, लेकिन जब आप अपॉइंट हो जाते हैं उसके बाद अगर आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ब्लाइज करने पे लग जाएं तो फिर तो काम नहीं चलेगा, फिर तो आप उसके मरहूने मिन्नत होकर रह जाएंगे। जो ये तो इंफरादी एक फेल है कि आपके जो असल काम है नैब अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पे आपको जो इख्तियारात हैं अगर उसको जुडिशियसली आप इस्तेमाल नहीं करते, आप यू आर लुकिंग अपवर्ड, कि जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी मैं अपने वो जो मेंटर है या जो भी वॉट एवर उन्होंने वर्ड यूज़ किया था उससे पूछ के बताऊँगा, तो उन्होंने कहा जी आपकी कौन सी अथॉरिटी, आप तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, आपने किससे पूछना है। जब आपकी अप्रोच ये होगी कि आपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी या जो भी आपकी है प्राइम मिनिस्टर अगर बैठे हैं तो उनसे पूछ के आपने अगर करना है, तो फिर उसके बाद क्या क्रेडिबिलिटी आपकी क्या रह जाती है। ये इन्फ्लुएंस उस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस की वजह से नहीं है, ये उस पर्सनैलिटी की वजह से है जो अपने आप को समझ जिन सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की, और ऐसा सरकारी अफसर जिससे कोई भी इख्तलाफ ना करता हो, अपोजिशन भी उसके खुश है, खुर्शीद शाह साहब भी बहुत खुश है उनके साथ सेक्रेटरी रहे, वो वजीर आजम साहब भी खुश है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा ले वो किस किस्म के अफसर होंगे कि जिनसे सब खुश हैं। इस दौर में कौन है जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा हो उससे कौन खुश रह सकता है। इसका मतलब है ये हर किसी को खुश रखने के चक्कर में ये नौकरी मिली इनको, और उसके बाद इसमें भी वो नौकरी पूरी कर रहे हैं। एक इम्तिहान नैब का अभी मजीद है जो केसेज रेफर किए गए हैं अदालत ने, अब देखते हैं उस पर कितना पूरा उतरते हैं, क्योंकि करप्शन जो है पाकिस्तान के मिसाल में सरे फहरिस्त है। नाज़रीन FBR की बात करते हैं, FBR के हवाले से तो रोज़ ही हम खबर शाये करते हैं, इस बार FBR का 14 अगस्त तक 16 अरब रुपए GST रिफंड की मद में जारी करने का फैसला।
सोहेल साहब जरा टेक्निकल है, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि FBR जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है, उसके पास पैसे मौजूद होते हैं। अब ये जो GST रिफंड है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है? शायद देखिए, FBR का हमारे मुल्क की मौशियत को मुस्तहकम करने के अंदर, हमारे जितने सेक्टर्स हैं वो मजीद ग्रो करें, उसके अंदर FBR का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। यही वजह है कि हम इसको डे टू डे डिस्कस करते हैं। FBR ने गुज़श्ता माली साल जो 30 जून को जब क्लोज़ हुआ, अपने रूल्स के मुताबिक, प्रैक्टिस के मुताबिक, FBR इस बात का पाबंद था कि उनके पास जो उस गुज़श्ता माली साल के मद में जितने आपके पास कलेक्शन हो चुकी थी, विद होल्डिंग टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, सेल टैक्स की बात करें, उसमें से आपने जो कस्टम रिबेट जो आप एक्सपोर्टर को देते हैं, और उसके साथ आपने जो मुख्तलिफ बिज़नेस कम्यूनिटी को आपने जो GST रिफंड वो उसके क्लेम दाखिल करते हैं, आप उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद आप उनको रिफंड पेमेंट ऑर्डर जारी कर देते हैं। जब आप जारी कर देते हैं तो आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि हमने आपको हर कंपनी के अगेन, हर कंपनी को इतनी अमाउंट हमने जारी करनी है, फिर आपको उसी माली साल की आखिरी तारीख से पहले वो रकम आपको जारी करनी चाहिए। FBR ने 30 जून तक रकम जारी करनी थी, लेकिन 39 अरब रुपये उन्होंने जारी नहीं किए, चूँकि उस वक्त सबसे बड़ा टारगेट था गवर्नमेंट के लिए, चैलेंज था कि उस गुज़श्ता माली साल के अंदर जो टैक्स कलेक्शन के अंदर शॉर्टफॉल आ रहा था, जो कि 259 अरब रुपए रहा, उन्होंने उसको अगर वो 39 अरब जारी कर देते तो वो तकरीबन 300 अरब तक चला जाता। उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनके लिए इन्होंने बहुत से मसाइल पैदा किए, स्पेशली जो हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, मुख्तलिफ कायमा कमेटियों के अंदर इस मामले को उठाया कि हमें RPO यानी रिफंड पेमेंट ऑर्डर हमें जारी हो चुके हैं, लेकिन हमें पैसे जारी नहीं किए जा रहे। काफ़ी शोर मचा, बिल आखिर गुज़श्ता माली साल के अंदर जारी होने वाली रकम अब जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 2 अरब रुपये जारी हो चुके हैं और 14 अगस्त तक 16 अरब रुपये मजीद जारी होने हैं। इसी तरह कस्टम रिबेट की मद में भी तकरीबन 7.5 अरब रुपये मजीद जारी होने हैं, लेकिन उसकी कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। लेकिन इस मद पर FBR ने एक अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर किया है कि जितने रिफंड होंगे वो डायरेक्ट मुतलका कंपनी के अकाउंट में बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए से मुंतकिल किया जा रहा है। ये पहली मरतबा हो रहा है, अदरवाइज पहले 2-3 मुख्तलिफ स्टेजेस से FBR के मुख्तलिफ रीजनल ऑफिस के जरिए रकम पहुंची थी, जिसके अंदर करप्शन के काफ़ी चांसेस होते थे। अब उसको कम करने के लिए एक इनिशिएटिव ज़रूर लिया गया। उसके साथ जो प्रेमिसर का टेक्सटाइल पैकेज था, उसके तहत तकरीबन 8.9 अरब रुपये के क्लेम दाखिल हुए FBR के अंदर, लेकिन उसमें से सिर्फ अब तक 4 अरब रुपए जारी किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है, हमने अगर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। जनवरी के अंदर सबक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, 180 अरब रुपए का पैकेज था, 1.5 साल के अंदर आपने ये रकम की बेनिफिट देना था, अभी तक आपने नहीं दिया। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इसकी एक्सपोर्ट पैकेज के तहत भी आपने इंसेंटिव को आपको फिल फॉर बढ़ाना होगा। रिफंड जारी करने में ताखिर क्यों हुई, ये तो बड़ा डिफाइन किया है सोहेल साहब ने, कि एक बात बताइएगा रिफंड्स के निज़ाम की हमारे यहाँ पॉलिसी जो है वो कितनी बेहतर है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसके लिए बड़ा मजबूत निज़ाम होना चाहिए दुनिया भर। ये ग्लोबल विलेज का रोना रोते रहते हैं, सारा जहान बता रहा है आपको ग्लोबल विलेज होगी, आप दुनिया के तजर्बा से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? डिजिटाइजेशन होगी, दुनिया भर में होगी, आपके यहाँ भी है, कंप्यूटराइजेशन है, सब कुछ है, आप इस सिस्टम को एक इस तरह बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का क्यों नहीं आप कर सकते? आप कहीं चले जाएँ, आप ये तो एक बड़ी कंपनीज की बात है ना, जिसको आपको पता है, उनका कारोबार का पता है, आपके साथ रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स पे रजिस्टर्ड है, कस्टम ड्यूटी के हवाले से आपके पास डाटा उनका सबका होता है, आप उनको रिफंड देने के लिए कितनी मुश्किल आपको हो सकती है? वहाँ इंडिविजुअल का जो है, आपने बाहर ट्रैवल किया होगा, भटीजा भी जाते थे, मैं भी गया कई मुल्कों में, ना सिर्फ ये कि एयरपोर्ट पे आपको रिफंड मिल जाता है अगर आप ड्यूटी पे करते हैं उस पर, कई बहुत सी जगहों पे जो बड़े उनके शॉपिंग सेंटर्स हैं उसके अंदर सिस्टम मौजूद है, आप इधर से शॉपिंग करके जाते हैं, वहाँ जाते हैं, उनको अपना पासपोर्ट देते हैं, पासपोर्ट एंटर करते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं आपके पास क्रेडिट कार्ड है या अकाउंट नंबर अपना दे दें, आप क्रेडिट कार्ड देते हैं, वो आपका एंट्री करते हैं, वो कहते हैं जी 15 दिन में आपका ये जो रिफंड है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो, वो हो जाता है, आप पाकिस्तान आते हैं वापस, आपको उधर वो उसका पैसे मिल जाते हैं। तो ये कितना मुश्किल सिस्टम है, अगर इंडिविजुअल्स के लिए इतना, दिन में वो हजारों क्लाइंट्स को इस तरह से डील कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक चंद कंपनीज है, उसके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी पहले उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा, ऊपर से आपने उसका रिफंड रोक के उसका मजीद रो रहे थे, यहाँ कमेटी पिछले महीने आए हुए थे सेनेट की कायमा कमेटी में, उन्होंने बाकायदा आंसुओं से रोए हैं कि खुदा के लिए हम पे रहम करें, पहले ही हालत हमारी ख़राब हुई, ऊपर से आपने रिफंड रोक के ये सारा कुछ किया। मसला क्या था कि आपने फिगर्स दिखाने थे बजट में कि जी हमारे पास इतने हमने कर लिया, बजट डेफिसिट इतना नहीं है, ये फिगर फजिंग आपने करनी थी, वो उनके पैसे रोक के आपने ये कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ FBR ही नहीं बल्कि हर इदारे में हमें निज़ाम की जो पॉलिसी है उसको वज़ह करने की, बेहतर करने की जरूरत है। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहर कायद के हवाले से आपको खबर देंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे कराची की, जहां पर आवाम को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। रोज़ ही कोई ना कोई ख़बर हमें मिलती है, मसाइल के अंबार हैं। पीने के पानी के हवाले से तो हम बात करते थे, मिलते ही नहीं है, लेकिन कुछ इत्तलात ये है कि 24 यूनियन काउंसिल्स में मुजरे सेहत पानी का इंकशाफ हुआ और वहाँ पर कोई एक ख़ास बैक्टीरिया है वो पाया गया है। राव साहब, वाटर पॉलिसी क्यों होती है एक आवाम को जो है बुनियादी सहूलियात, पीने का जो साफ पानी है फ़िल्टर किया हुआ वो मिलना चाहिए, मगर हमारे जो इख्तदार में बैठे लोग हैं वो अपने घर में मेरा ख्याल है मुंह भी धोते होंगे तो फिल्टर पानी से धोते होंगे, लेकिन बेचारे गरीब हमारे। ये जहाँ मोटरवे और ऑरेंज ट्रेन वगैरह बताते, साथ जब चार नलके भी लगा दें उसके लोगों को आसानी हो जाए, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दें लोगों को आसानी को मिल जाए, ये प्रायोरिटी ही नहीं रही हमारी। पहले भी हम काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुके, मुशर्रफ के दौर में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का। 70% वाटर बॉर्न डिजीज़ दुनिया मानती है इस चीज़ को। आप अगर साफ़ पीने का पानी दे दें लोगों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे यहाँ बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, कोई एक सीरियस बीमारी हो जाए घर में किसी फर्द को तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है उससे। तो ये एक इतना ज़ालिमाना निज़ाम है ओवरऑल आप देख लें कि इस चीज़ का ख्याल ही नहीं किया जाता। अब इतना खौफनाक ये सूरत हाल है कि आप देखें 204 पानी के नमूने लिए गए, उसमें 99% जो है वो उसमें बैक्टीरिया निकला है। अब क्या करेंगे लोग, एक पहले तो पानी नहीं मिलता पीने को, उसके बाद अगर मिलता है तो वो इस किस्म का मिलता है और उसमें क्या है, ई कोली टाइप बैक्टीरिया है जो हर जगह पे पाया गया, तकरीबन 119 नमूनों में वो बैक्टीरिया पाया गया 202 में से, और उसमें उसकी वजह से डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसे जो मौलिक मर्ज हैं वो होते हैं। हेपेटाइटिस का हमें पता है कि पानी की वजह से मैक्सिमम हो रहा है, थोड़ा बहुत गोश्त वगैरह या और उसके सिम्टम्स हो सके, लेकिन मेन उसकी रीज़न जो है वो ये हेपेटाइटिस की, वो पानी का साफ होना ना। तो ये सिंध गवर्नमेंट है, उसकी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी उसकी है। अब लोकल बॉडीज़ आ गई हैं, वो दौरे शौरे करके अपने वो कार्रवाई दिखा रहे हैं। जो डेलीगेशन ऑफ पावर है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है ग्रास रूट्स तक, वो हो नहीं रही, उससे ये प्रॉब्लम सारे पैदा हो रहे हैं। उनको फंडिंग की जाए प्रॉपरली और ये सारे काम, ये सड़कों नालियों के काम, ये साफ़ पीने के पानी के काम, ये लोकल बॉडीज़ का काम है, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, उन्होंने ये करने हैं। यहाँ पे होता ही है कि MNA साहब को कोटा दिया जाता है, कभी MPA साहब को कोटा दिया जाता है, जिनका काम एक लेजिस्लेटिव बॉडी का पॉलिसी मेकिंग का काम है, उनसे ये सड़कों नालियों के काम लिए जाते हैं। ज़ियाउल हक के दौर से ये बीमारी हमारे यहाँ आई है और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वो बड़ी लुक्रेटिव किस्म की फंडिंग होती है, जिसमें से अगर 50 करोड़ उसको मिलते हैं तो 5-4 करोड़ तो कमीशन में डायरेक्ट उसको ठेकेदार से मिल जाता है। आगे ठेकेदार और बाकी अफसर मिलकर क्या खाते हैं और लोगों को मिलता क्या, ये साफ नज़र आ रहा है आपके पास। उसके बाद एक जो इन पानी की फराहमी का जो बुनियादी इशू है कराची में ख़ास तौर पे, और उसके बाद बरसात के सीज़न में जो मसाइल पैदा होते हैं पानी के खड़ा हो जाने की वजह से, गंदे पानी खड़ा हो जाने, तीसरी चीज़ वहाँ पर कचरा है, कचरा वहाँ से उठाता कोई नहीं, उसके बाद जो पानी खड़ा होता है उससे और मसाइल पैदा होते हैं, और वो सिपेज जो होती है उसकी वजह से, जगह जगह के ऊपर जो होती है उसकी वजह से, जो पानी साफ पानी भी है या अंडरग्राउंड सब सॉइल वाटर जो है उसका भी ख़राबी हो जाती है। कराची में तो सब सॉइल वाटर को उस तरह से है नहीं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें बहरहाल मौजूद हैं कि सब सॉइल वाटर पर भी उसका इम्पैक्ट जाता है। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपका जाता है, जो गंदे नाले बनाए हुए हैं सारे ये शेखुपुरा के इर्द गिर्द फैसलाबाद के पास, उसमें ये इंडस्ट्रियल वेस्ट में उसकी वजह से बहुत सारी वहाँ पर बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये कोई आम आदमी का, कोई इंसानों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ लीडर अपने उसके सियासत और उसके कार्रवाइयों में ना लगे रहे हैं। अब लॉन्ग मार्च आज करने जा रहे हैं मियां साहब, पता नहीं किसके खिलाफ अच्छा, कर रहे हैं वो, तो इसका फायदा इस तरह से आवाम को कोई नहीं पहुंचे। इंसानी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। अब जो ई कोली बैक्टीरिया, आवाम बेचारे जो गरीब हैं उनको तो समझ भी नहीं आ रही होगी किस बला का नाम है, लेकिन यही वो लोग हैं जो बार बार इख्तदार में आते हैं, बार बार इख्तदार में आते हैं और आवाम को यही मुश्किल दरपेश होती हैं, फिर आवाम इन्हें वोट क्यों देते? शाजिया, लोगों के पास एक तो कोई और चॉइस नहीं है, उसके बाद पानी के साथ साथ हमारे यहाँ मौशे के अंदर इस एक पॉलिटिकल एलीट ने लोगों के लिए सिस्टम इतना मुश्किल बना दिया है कि लोगों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपने जो उन्हें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना होता है, थाने कोर्ट कचहरियों के मसाइल और दीगर मसाइल, उनसे निमटने के लिए उनकी मजबूरी होती है कि इलाके के अंदर कौन बासर शख्स है जिनके ज़रिए हमारे मसाइल हल हो सकते हैं, उसी के पीछे वो जाते हैं और उन्हें जाके वोट देते हैं। यकीनन अब मेरे ख्याल में जो आइंदा साल का इलेक्शन होगा, लोगों के अंदर शोर व आगाही आई है और जो कुछ जिस पार्टी ने अपने मंशूर के मुताबिक डिलीवर किया या नहीं किया, लोग बेहतर फैसला कर सकेंगे। लेकिन जो कराची के अंदर 24 यूनियन काउंसिलों का मामला है, उसके अंदर गैर म्यारी पानी की फराहमी का मामला है, मेरे ख्याल में सिर्फ ये 24 यूनियन काउंसिल्स नहीं बल्कि कराची के पूरे
पूरे कराची का ये मसला है। सिंध हाई कोर्ट ने काफी अरसे से इस मामले को टेकअप किए रखा, उनका एक कमीशन बना, उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया जो वाटर बोर्ड के मुख्तलिफ प्लांट थे, कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं है जहाँ पर जो वहाँ पर लगे हुए फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हों, ये उनकी मेंटेनेंस की जा रही हो, हर जगह के ऊपर मसाइल का सामना था। उसके बाद मंचर जो झील है जहाँ से पानी की फरामी का सिलसिला होता है वहाँ पर आरओ प्लांट लगने थे, जो प्लांट पहले लगे थे वो काम नहीं कर रहे और जो मजीद लगने थे उसके ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहा। बदकिस्मती ये है सिंध के हुक्मरानों ने या पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुक्मरानों ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि जो आवाम को बुनियादी सेहत के बुनियादी उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। जिस तरह मेयर वसीम अख्तर साहब हैं वो कहते हैं कि ये मसला हल करने के लिए मेरे पास फंड्स नहीं है, एक चलें एक लॉजिक समझ आती है। सिंध गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं कहा कि कोई मनसूबा हमने शुरू करना है या आवाम को मुश्किल है, फंड्स नहीं है। 550 से 600 रुपये फेडरल गवर्नमेंट से उनको डायरेक्ट मिलते हैं एनएफसी के तहत। उसके बाद उनकी अपनी 18वीं तरमीम के बाद वो खुद भी उनके मुख्तलिफ टैक्सेस उन्होंने आयद कर रखे, अपनी कलेक्शन करते हैं, 800-900 रुपये सालाना का आपके पास बजट मौजूद है। तो फिर ये आप छोटे छोटे ये मंसूबे हैं इनके ऊपर अगर आप एक साल के अंदर एक दो तीन चीज़ों को हेल्थ और एजुकेशन की प्रायोरिटी दे लें, आप कुछ रकम मुख्तस करके ऑनेस्टली इसके ऊपर खर्च कर दें तो ये फिर ना तो लोगों को बैक्टीरिया वाला पानी मिलेगा और ना ही लोगों को दीगर मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ विल की बात है। आप पानी की फरामी के निज़ाम को बेहतर उस वक्त करेंगे जब आवाम वाकई उनके लिए कोई वैल्यू रखते होंगे। वोट का मैं आपको बता दूं, वोट का आपने बात की उससे, ये हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है ना, जिस किस्म के मसाइल आम आदमी का, ये आइडियल वोटर है जिसको बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जो अपने मसाइल में घिरा हुआ है उसको थोड़ी सी उम्मीद दिलाते हैं, 5 साल बाद वो फौरी तौर पर किसी ना किसी पार्टी के पीछे, नए नारे के पीछे लग जाता है। अगर उसके मसाइल हल हो जाएंगे तो ये बड़ा सयाना वोटर हो जाएगा, फिर इनके लिए मुंतखब होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बुनियादी सहूलियात के बड़े बड़े हम जो मामलात हैं, बड़े बड़े सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उनका भी पुरसाने हाल कोई नहीं। नाज़रीन, बात करेंगे दुनिया भर में कपास पैदा करने के हवाले से। पाकिस्तान जो है वो पैदा करने वाली जितनी प्रोडक्शन है दुनिया में उसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है, मगर अफसोस की बात यह है कि कपास की काश्त में कमी हुई है और उसके बाइस जो है वो पैदावारी हदफ में कमी का खदशा है। सोहेल साहब, हमारा कहते हैं कि ज़रात जो है मुल्क की मीशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ये सिर्फ लिखने की हद तक ही है क्योंकि जो अमला हमें नज़र आ रहा है वो ऐसा तो कुछ है नहीं। दर हकीकत तो ऐसा ही है लेकिन हुकूमती प्रायोरिटीज़ के अंदर ऐसा दिखाई नहीं देता। आज कॉटन क्रॉप असेसमेंट कमेटी का इजलास होना है और उस इजलास का जो वर्किंग पेपर तैयार किया गया है उसके अंदर उन्होंने जो रवा माली साल के अंदर जो पिक्चर पोर्ट्रे की है कपास की पैदावार से मुतलिक, वो बड़ी परेशान कुन है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो सारा इन्हिसार है वो टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर है। जब हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए हमें जो एक सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल चाहिए वो कॉटन है, और पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि हमारा स्पेशली पंजाब और सिंध के अंदर जो हमारा एरिया है वहाँ पर हम बड़े पैमाने के ऊपर हमारे यहाँ कपास की पैदावार होती है, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से कपास की पैदावार के अंदर कमी रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन गुज़श्ता साल भी कॉटन क्रॉप असेसमेंट कमेटी ने अपने टारगेट फिक्स किए थे और कोशिश की गई थी कि आइंदा साल हम 14 मिलियन बेल्स का हदफ हम हासिल कर लेंगे। उसके लिए लाजिम था कि हमने जो हमारी कपास के जो काश्त है वो वसी रकबे के ऊपर हो, लेकिन बदकिस्मती के साथ पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जो कपास का काश्तकारी का रकबा था काश्त ही कम की गई है। मतलब उसकी एक तो आप वैसे होते काश्त कर ली, मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ा, उसके अपने लुकाफ्टर नहीं की, पैदावार कम हुई। पंजाब के अंदर तकरीबन 5.97 मिलियन एकड़ रकबे पर ऊपर ये इसने काश्त होना था, लेकिन जो काश्त हुई कपास वो 5.3 मिलियन यानी 53 लाख एकड़ पर काश्त हुई है। पंजाब के अंदर बड़ा डेंट हुआ है, सिंध के अंदर भी कम काश्त की गई है। इसकी तीन बुनियादी वजूहात सामने आ रही हैं जिसको एड्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जानिब से। एक तो कपास की वो ये ऐसी हमारी प्रोडक्ट है जिसकी किसान को उसकी स्पोर्ट प्राइस नहीं मिलती, मतलब है कि उसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं है। जो जब कपास मार्केट में आती है मिडल मैन और आढ़ती खुद उसकी कीमत का हर साल तयन करते हैं, किस काश्तकारों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। उसके बाद गन्ने की पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है साउथ पंजाब के अंदर और अंदर की वजह शुगर मिल्स है, और चूंकि लोगों को वहाँ पर लोगों को बेहतर पैसा मिलता है वो इस बात से कतई नहीं, इसका शरीफ ब्रादरान की शुगर मिल्स कैश क्रॉप है वो सब लोग शुगर, मतलब एक इंडस्ट्री बन चुकी है, शुगर मिलें मौजूद हैं। अगरचा के इस वक्त काफी सारी शुगर मिल्स हैं जो डिफॉल्ट कर चुकी हैं, किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा
क्योंकि उसकी वो कीमत उनको मिलनी ही नहीं मार्केट से, उन्हें खुद मुश्किलात का सामना, किसानों को भी पैसे नहीं मिल रहे। उसके बाद पानी की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है रवां सीजन के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ तकरीबन 15 लाख बेल्स कम पैदा होंगी रवां माली साल के दौरान कपास की। ये एक बड़ा डेंट है, इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को अभी से गौर करना चाहिए और आइंदा माली साल के लिए हमें अभी से अपने फैसला करना चाहिए कि कितने एरिए के ऊपर हमारे गन्ने की काश्त होगी और कितने रकबे के ऊपर हमने हर सूरत कपास उगानी। ठीक है राव साहब, ये कपास का बहरान हुकूमत की आंखें बंद क्यों है? क्या हमारे जो दूसरे सेक्टर है, टेक्सटाइल हो गया, एक्सपोर्ट सेक्टर हो गया, वहां से हम अपने नुकसान पूरे कर रहे हैं क्या? नहीं देखिए, आपकी कहले के रीढ़ की हड्डी है ज़राअत जो है बेसिकली आपकी मईशत की, तो उसके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं कि उसको बार बार आप झटके दे रहे हैं, कभी रिफंड नहीं देते आप टेक्सटाइल को। फिर उसके बाद इंटरनेशनली आप जो खित्ते की कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, वो सबसे ज़्यादा है, वो एक अलहदा आपको प्रॉब्लम है। उसके ऊपर आपकी कपास कम होती है, उसके रेट्स ऊपर चले जाते हैं, आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये एक और इम्पैक्ट उसका आएगा, जिसकी वजह से आपकी कास्ट जो मैनुफैक्चरिंग कास्ट है वो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। किसान का अलहदा से उससे बिड़ा गर्क होता है। प्लानिंग क्या कर रहे हैं आप बैठ के? आप सिर्फ ये प्लानिंग करते हैं कि जी यहाँ से जुलूस कैसे लेके जाएंगे, वहाँ से कौन सा नारा लगाना है, कौन सा बोर्ड लगाना है, ये आपके देखने की चीज़ें थी। कॉटन कमिश्नर होता है जिसका काम है, इसी तरह वीट कमिश्नर होता है जिनका काम है कल्टीवेटेड एरिया के बारे में मॉनिटर करना, गवर्नमेंट को बताना, मोटिवेट करना लोगों को किस किस्म की उगाई जाए। उसके बाद आपके पास रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिनका काम यह कि ऐसा सीड हो आपका, आपका रकबा बेशक कम काश हो लेकिन आपकी यील्ड जो आएगी पर एकड़ वो कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। इंडिया में आप देख लें, आपके पड़ोसी मुल्क में, फिर वही बात है कि ग्लोबल विलेज में आप अगर दुनिया के तजर्बा से फ़ायदा नहीं उठा रहे तो ये किसकी नाकामी है? आप इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी नहीं है ये। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये अगर क्रॉप आपकी ख़राब होती है या कम होती है, उसका एक बड़ा विशेष सर्कल बनता है कि जो पेस्टिसाइड में देने वाला है, जो कंपनी है, जो खाद देने वाली कंपनी है, जो बैंक लोन दे रहा है, जो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो सारे इसकी लपेट में फिर आते हैं, सब पे उसका इम्पैक्ट आता है। किसान तो पिसता ही पिसता है, उसको तो मिडिल मैन ही कहा जाता है, लेकिन ये बाकी जो सारे आपके सेक्टर है वो पूरी तरह उस पर आते हैं। ऊपर से आपका ट्रेड डेफिसिट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये तो ऐसी चीज़ें जिन पे आपको बहुत प्रायोरिटी पहले दिन से देनी चाहिए थी और पूरी तवज्जो के साथ काम करना चाहिए था, ताकि आपका GSP प्लस का आप फायदा उठाते पूरी तरह से, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही होती। ऐसे मुल्क जहां कपास का एक फूल नहीं उगता, वो मुल्क आपसे ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहे हैं और आप इधर रोते फिर रहे हैं उसके लिए, कभी कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नारों से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो अमली काम है, ये तो आपको अमली तौर पर करके दिखाना होगा और इसके लिए बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। खास तौर पे तवज्जो उस वक्त देना जब अपनी इख्तदार की जो कुर्सी है उसको बचाने की तरफ से तवज्जो हटे। बहरहाल नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे नेक्टा के हवाले से। इंसदादे दहशतगर्दी कमेटी का कौमी इदारा है। सुहेल साहब, नेक्टा फॉल होने के हवाले से हमेशा सवालात उठे गए, खासतौर पर नेशनल एक्शन प्लान जब आया था उसके बाद भी, लेकिन आज जो खबर हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं वो नेक्टा ने एक हाई अलर्ट जारी किया है कि भारत कोई अटैक कर रहा है। असल खबर यह है कि जो कोरियन कंपनी आज़ाद कश्मीर में जो कि पन बिजली मंसूबे पर काम कर रही थी उसको रोक दिया गया है, तो ये अलर्ट की जो जारी किया गया इसकी वैल्यू क्या है? शाजिया, इसके अंदर भारतीय साजिश और उनकी प्लानिंग को ज़रूर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पन बिजली के मंसूबों का एक बड़ा पोटेंशियल मौजूद है आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर, निजी शोबे के अंदर ये तीसरा मंसूबा था जो कोरियन कंपनी कर रही थी कोटली में आज़ाद कश्मीर में। 3400 रुपए का ये मंसूबा है, 102 मेगावाट का गुलपुर मंसूबा इसका नाम है। इसकी 2014 से इसकी तमीर का काम जारी था। अब हमने कुछ चंद रोज़ कबल भी देखा था कि हमारे भारत खुद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारे ही मुख्तलिफ दरियाओं की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पर मुख्तलिफ पन बिजली मंसूबे तमीर कर रहा है, लेकिन उन्होंने आई डोंट नो किस तरीके से उन्होंने कोई साजिश की है। नेक्टा ने जिसके नतीजे में एक अलर्ट जारी किया कि इंडियन बहल कश्मीर की साइड के ऊपर उन्होंने एक उनकी बॉर्डर एक्शन टीम है, वो टीम ये प्लान कर रही है कि और उन्होंने कुछ अपने लोग भिजवाए हैं जो गुलपुर मंसूबा है वहाँ पर, वो कुछ एक्सप्लोसिव फिट करेंगे और उसके बाद वहाँ पर जो कोरियन गैर मुल्की काम कर रहे हैं जो उस पूरे मंसूबे का जिन्होंने इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार किया है जो उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। ये अलर्ट वसूल हुआ उस कंपनी को, उन्होंने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ भी इस मामले को टेकअप किया, अगरचे कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि हम आपको सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, लेकिन शायद वो कंपनी मुतमिन नहीं हो पाई। और ये पहली मरत पैसा हुआ है कि किसी भी आज़ाद कश्मीर के अंदर मंसूबे पर काम करने वाली गैर मुल्की कंपनी ऐसा एक अलर्ट मसूल होने के बाद उन्होंने सारा काम बंद करके साइड से अपनी टीम को मूव कर दिया है।
इस वक्त साइट के ऊपर काम रुक चुका है। आज़ाद कश्मीर के अंदर और भी मुख्तलिफ मनसूबों के ऊपर काम हो रहा है, नीलम झेलम पन बिजली मनसूबे पर काम हो रहा है जो कि ज़्यादा सेंसिटिव मनसूबा है, वहाँ पर भी चाइनीज़ काम कर रहे हैं और भी वहाँ पर जर्मन गए हैं, वहाँ पर अमेरिकन जाते रहे हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट वहाँ पर जाके वो काम करते रहे, वहाँ पर भी अलर्ट थ्रेट अलर्ट्स थे लेकिन उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और वो काम करते रहे। लेकिन यहाँ के ऊपर उस कंपनी का साइट के ऊपर काम बंद करना ये बड़ी अलार्मिंग बात है। मेरे ख्याल में हमारे मुतलका इदारों को आज़ाद कश्मीर के अंदर उस कोरियन कंपनी को सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करनी चाहिए, क्योंकि ये मनसूबा बहुत नागुजीर है हमारे लिए। प्राइवेट शोबे का है, इन्वेस्टमेंट वही कर रहे हैं और हम इस मनसूबे को हर सूरत 2019 तक मुकम्मल करना है। राव साहब, अलर्ट जारी करने से कंपनी क्यों बंद कर दे? कंपनी बंद करना तो मसले का हल नहीं है ना। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ये जो अलर्ट होता है बुनियादी तौर पे ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए होता है, जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करके एक उसका बनाया जाता है, जो भी प्रोफाइल होता है उस इवेंट जो एक्सपेक्टेड होता है उनको दिया जाता है ताकि वो डेटर कर सके, उसके लिए अरेंजमेंट कर सके। ये अगर कोरियन कंपनी को बराह रास्त वो अलर्ट पहुंच गया है और उनको बताया गया है, इसके कि मुझे तो ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं लग रही। सिक्योरिटी एजेंसीज की हद तक तो ठीक था, वो मैयस ले लेते उससे, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से ये कुछ लोग यहाँ पे भी चाहते थे कि इसको इंडिया रुके। ये मैं ये इसी तरफ आ रहा हूँ कि कोई घपला तो नहीं है इसमें कि इसको रोकने की जो कोशिश की गई है किसी वजह से जो रुकवाया जा रहा है, जैसे कि हमने देखा नंदीपुर वगैरह इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में जो कॉस्ट एस्केलेशन हुई है, ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये क्योंकि पब्लिक सेक्टर में है मेरा ख्याल है, ये प्राइवेट शोबे में है, तो इसमें शायद वो खाने पीने वाला चक्कर इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन स्टिल क्यों ये किया गया? उस कंपनी को बराह रास्त ये अलर्ट इन्फॉर्म कैसे हुआ, उनको कैसे पता चला ये सारा? वो तो हमें होशियार तो रहना चाहिए, भारत वाले यकीनन वो कोशिश करते हैं इस किस्म की हरकतें करने की, जैसे वो ऊपर पहले पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ स्टोरेज बहुत बड़ा बन नहीं सकता, लेकिन ज़ाहिर है वो मनसूबे अपने बनाते रहेंगे, लगे रहेंगे उस काम पर। ये कि हमारे मनसूबों को सेबोटाज करने के लिए अगर जो कोशिश हो रही है उस पर हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे नेक्टा अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर देती है तो सिक्योरिटी एजेंसी का ये फ़र्ज़ है कि वो इंश्योर करें कि इस किस्म की कोई हरकत होने ना पाए। मेरा ख्याल है कि जिस बॉर्डर पर वो हरकत करने की कोशिश करें वहाँ पहले उनको काफ़ी सबक सिखाया जा चुका है, दोबारा वो अगर इस किस्म की पाकिस्तान के अंदर आ गए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के अंदर आके वो इस किस्म की हरकत कर सके। अपनी तरफ बम शम चला के धमाके करके वो शायद कोई कार्रवाई डाल दें, जैसे वो डालते रहते हैं कि हमने पाकिस्तान का ये कर दिया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और वो अपने आप को खुश करने के लिए अपने लोगों को खुश करने के लिए इस किस्म की बातें करते थे, लेकिन इस पर विजिलेंट रहने की बहरहाल ज़रूरत है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी, और कोरियन कंपनी को ये यकीन दिलाना चाहिए कि 2014 से 17 तक 3 साल आप भाई आराम से काम करते रहो तो अब कौन सी मुसीबत आ गई? अगले साल 19 में कंप्लीट होना मेगा 2019 में। विजिलेंट रहने की बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो मेजर्स लेने चाहिए, क्या आप कोई ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं इससे पहले पाकिस्तान में या दुनिया भर में कि इस तरह की थ्रेड आई हो, इस तरह का अलर्ट जारी किया गया हो और कोई मंसूबा जहाँ पे मैन पावर लगी हुई है, रिसोर्सेज लगे हुए हैं, पैसा लगा हुआ है, वहाँ उस मंसूबे को रोक दिया गया हो? शायद ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ तवानाई के मंसूबे हों या कोई भी ऐसा शोबा हो जहाँ पर गैर मुल्की काम कर रहे हो, इवन पाकिस्तानी भी काम कर रहे हो, तो उस मंसूबे के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल है, मुख्तलिफ टेररिज्म के हम देखते हैं कि वाकयात होते रहते हैं, उनके पेश नज़र वहाँ पर सिक्योरिटी हमेशा हाई अलर्ट रखी जाती है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, लेकिन कोई ऐसे एग्जाम्पल मौजूद नहीं है कि आपको एक अलर्ट जारी हो और आप काम बंद कर दिया। ये बुनियादी तौर के ऊपर वजारत पानी और बिजली और इस मंसूबे को एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटी प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि अगर जब वो अलर्ट जारी हुआ था उन्होंने इसके ऊपर मैयस लेने थे, कंपनी को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना था कि हम आपकी सिक्योरिटी हम मजीद इन्हेंस कर रहे हैं, आप यहां पर काम जारी रखिए, लेकिन वजारत पानी और बिजली अपना रोल अदा करने में कामयाब नहीं हुई, ये कम्युनिकेशन गैप था। कोरियन कंपनी ने यकीनन वेट किया होगा जब उन्होंने देखा कि हमारी जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर और उसके साथ पीपीआई भी, वो इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, और पाकिस्तान इधर वफाकी हुकूमत के अंदर एक अजीब सा एक सियासी बहरान भी चल रहा था, तो उन्होंने इस खदशे के पेश नज़र काम बंद किया है। मेरे ख्याल में फौरी तौर के ऊपर काम कोई घपला और नहीं है जैसे देखिए, ये तो हो सकता है, देखिए जो इस तरह आपके जितने अरबों रुपए के मनसूबे जब आप अवार्ड करते हैं प्राइवेट शोबे के अंदर तो वहां पे लेन देन हमेशा होती है, और पान बिजली के और स्पेशली तवानाई के मनसूबों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर आप इसके अंदर अंडर द टेबल लेन देन जारी रहता है, लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर जिन लोगों ने मुल्क की कीमत के ऊपर ऐसा सौदा किया वो तो उनको एस्टेब्लिश करना कार्रवाई करना अलग चीज़ है, लेकिन ये मनसूबा हमारे लिए इंतहाई नागुजीर है। पन बिजली का मनसूबा है सालाना
40 करोड़ से ज्यादा सस्ती बिजली ये पैदा करेगा। मुकर्रर वक्त पे इसको मुकम्मल करने के लिए लाजिम है कि फौरी यहाँ पर सिक्योरिटी फ्राहम की जाए और इसके ऊपर काम दोबारा शुरू होना चाहिए। ठीक है, अब जरा बैनुल अक्वामी खबर की भी बात कर लेते हैं। सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमत जो दी जाती हैं, मुलाजमाएँ जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए अनोखी सर्विस मुतारफ कराई जा रही है। राव साहब, हर रियासत हर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आवाम के लिए जो है वो मुलाजमत का बंदोबस्त करें। हमने बहुत जगहों बहुत मुल्कों में ये एग्जाम्पल देखी है, आप चाइना में देख लें, जापान में देख लें, शुमाली कोरिया में देख लें, अब सऊदी अरब में ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है घरेलू मुलाजमा के लिए, इसके बारे में क्या खबर है? ये बुनियादी तौर पर बाहर से ज़्यादातर आती हैं, ये फिलिपाइन वगैरह, थाईलैंड, इस किस्म के कंट्री से बहुत ज़्यादा जाती हैं, हमारे मुल्क से भी जाती है, बांग्लादेश से भी जाती हैं ये जो घरेलू मुलाजमाएँ हैं ज़्यादातर। उस पर एक इशू वहाँ पर जो रहा है, मुझे पता नहीं अब उन्होंने कोई लेजिस्लेशन उस पर कर ली है इस वजह से ये बराह रास्त घर पर उनको जो कफील होता है उसके थ्रू आप रिक्रूटिंग होती है यहाँ से, फिर कफील के थ्रू आप वहाँ पे जाते हैं, कफील आपका पासपोर्ट रख लेता है, अकामा आपको जारी हो जाता है काम करने का, तो आप करते हैं, तो सम टाइम्स वहाँ पे कफील जो हैं वो आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, आपने छुट्टी लेनी है छुट्टी नहीं मिलती, आपकी सैलरी सम टाइम दबा लेते हैं, आपको पासपोर्ट वापस नहीं करते अगर आपका टाइम पूरा हो गया या आपको एमरजेंसी में कहीं आना जाना पड़ रहा है या छुट्टी लेनी है आपने, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है अगर उन्होंने बराह रास्त उसको जो मुलाजम इस किस्म के बाहर से जो होती हैं हायर वो जाके अगर बराह रास्त वो काम करती हैं तो उससे बेहतरी होगी, उनको कम अज़ कम ये कफील की जो ब्लैकमेलिंग है या उसका जो प्रेशर होता है उससे उसको निजात मिलेगी। लेकिन ये सऊदी अरब को थोड़ी सी कुछ चीज़ें इस किस्म की कर रहा है, ओपनिंग आप जिसको कहते हैं ना कि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड की तरफ जो एक उसकी ओपनिंग है, वो अपना एक आउटलुक थोड़ी सी चेंज करना चाह रहा है, उन्होंने जैसे कुछ जज़ीरों के ऊपर वो बीचेस वगैरह डेवलप करने की बात की है, उनके प्रिंस ने इस किस्म की चीज़ें वो करने जा रहे हैं, वो इंटरनेशनल वर्ल्ड का उस तरह से हिस्सा बनना जा रहे हैं कल्चरली। अच्छा। जो कह लें आप बाकी जगहों पे जिस तरह से है, जिस तरह की सोसाइटी है, क्योंकि सऊदी अरब को बड़ा ओपन सोसाइटी उस तरह से नहीं समझा जाता, इस वजह से ये पेशरफ बहुत अच्छी है अगर इसको प्रॉपरली बगैर कफील के या कफील के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल के उन मुलाजमा को काम करने का अगर मौका मिलता है तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी काविश होगी और इससे बहुत फ़ायदा होगा वो लोग जो यहाँ से जाके काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और वहाँ पे भी लोकल कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो जो लोग शौक से जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे, अभी बहुत सी रुकावटें पैदा हो जाती हैं कफील के मरूने मिन्नत होने की वजह से, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना वहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है सुनील साहब, इस तरह की एग्जाम्पल पाकिस्तान में ही मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी आपको बहुत सारे घरेलू मुलाजमत जो फिलिपाइनीज और दूसरे मुल्कों से रिलेटेड होते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसी एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं मिलती है, हमारे यहाँ घरेलू मुलाजमाओं का बहुत डिफरेंट कल्चर है। मुझे याद है एक मरता शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक इंटरव्यू देखने का मौका मिला, वो लंदन में थी तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के यहाँ रहते हुए जो सबसे बड़ी चीज़ मिस कर रही हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में होती हूँ तो वहाँ पर आगे पीछे आपके केयर करने वाले लोग, घर में मुलाजमाएँ, आपको कुकिंग की कोई फिक्र नहीं है, तमाम आपके मामला तय पा जाते हैं, और यहाँ पर इस वक्त लंदन में किचन के अंदर मुझे खुद कुकिंग करना पड़ रही है, सफाई का भी मुझे खुद करना पड़ता है, सब्जी खुद खरीदती थी जाके मार्केट से। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये निज़ाम बहुत डिफरेंट है, यहाँ पर गुरबत भी है, लोगों के पास रोजगार के मौके नहीं है और आपको यहाँ पे घरेलू मुलाजमाएँ आसानी से मिल जाती हैं, दुनिया के दीगर ममालिक में ट्रेंड मुख्तलिफ है। सऊदी अरब ने ये जो सर्विस इस जो इनिशिएटिव लिए बहुत अच्छा है, चूँकि पाकिस्तान समेत हम बांग्लादेश, फिलिपाइन या भारत से अगर कोई लोग जाते भी हैं ये तो फीमेल की बात है, जो मर्द हजरात जाते हैं मुख्तलिफ मुलाजमत हासिल करने के लिए, अरबी ज़बान का बहुत बड़ा मसला है, जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मुतलका जगह तक पहुंचने के बाद उन्हें बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, ज़बान से वाकफियत भी नहीं है, अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाते, वहाँ के रूल्स को वो नहीं समझते, तो ये फिर फीमेल है, फीमेल के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी सर्विस है कि आपने वहाँ के गए आपको ज़बान की समझ बूझ है या नहीं है, आपको एयरपोर्ट के ऊपर जो एक नुमाइंदा मौजूद होगा मुतलका कंपनी का तो आपको उस घर तक बराह रास्त पहुँचा देगा जहाँ पर आपने काम करना है। अच्छा इनिशिएटिव है और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ औकात के अंदर जो आपको लोगों को मुख्तलिफ शोबों के अंदर जब मुश्किलात आती हैं उनको दूर करने के लिए नए सिस्टम वज़ा किए जाते हैं, आसानियां पैदा की जाती हैं लोगों के लिए, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। दुनिया भर में है सर्विसेज सेक्टर में आउटसोर्सिंग का आम रिवाज हो गया, आप कोई भी जगह पे आप जाते हैं वहाँ पे जो जो आपके कह लें कि सर्विसेज हैं गेस्ट के लिए जो विजिट कर रहे होते हैं, सयाह विजिट कर रहे थे उनके आउटसोर्सिंग कंपनीज को उन्होंने की होती है, और लैंडो आप जाएँ वहाँ पे वो उन्होंने जितनी आपके विजिट की सर्विसेज है ना वो
होटल्स वालों ने, आप किसी से करना चाहे वो आउटसोर्स की होती है, आगे से कोई कंपनी आती है, वो बंदा आपको पूरा टूर कराता है, जहाँ जहाँ आपने जाना होता है उसको कराता है, तो उससे आसानियाँ बहुत पैदा हो जाती है। एक तो वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको पता होता है कहाँ जाना है, कहाँ लेके जाना है, कौन सी जगह दिखानी है, वो उससे इस तरह से ये आउटसोर्सिंग से बड़ा फायदा हो जाता है। चलिए, सऊदी हुकूमत के ये इकदामात, इससे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। राव खालिद साहब आपका शुक्रिया, सुहेल इकबाल भट्टी आपका शुक्रिया, शाजी खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।